नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना में मंगलवार की शाम इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद सूबे में सियासत गर्मा गई है। घटना के कुछ देर के बाद जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी मौकाए वारदात पर पहुंचे और नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला। ये कोरोना वायरस तो ये वायरस हर चीजों की अपराध और अपराधियों को मिटाने की तैयारी कर और सक्षम है बिहार की पुलिस अपराधियों को खत्म करने के, बस हाथ रोकी हुई है इन पॉलिटिशियन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई ये पॉलिटिशियन सबको हाथ रोकता है। आपको जानकारी है ये जो इंडिगो के हेड है यहाँ पे पटना पे, उनको भी शाम के समय में गोली मारी गई है और उनको उनकी हत्या हो गई। उनको हॉस्पिटल ले गया था लेकिन वहाँ ले जाने के क्रम में उनकी हत्या हो गई। तो हम लोग यहाँ पर जांच कर रहे हैं, हम लोगों ने टीम बनाई और जैसा आप कह रहे हैं चुनौती तो है, लेकिन हम लोग सभी घटना के जो भी कारण है प्रोबेबल उनका जांच करेंगे। भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पटना में हुए इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या को दुखद और गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि शून्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। रुपेश सिंह इंडिगो बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। भागलपुर एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने आई गर्भवती महिला एसएसपी कार्यालय परिसर में ही गिर गई। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर थाना पुरैनी की महिला का पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उक्त विवाद क्रम में पड़ोसी ने महिला के साथ मारपीट की, जिसको लेकर पीड़िता जगदीशपुर थाना गई थी, लेकिन वहां पुलिस ने महिला को फटकार लगाकर भगा दिया। वहीं न्याय को लेकर उक्त महिला अपने परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। यहाँ से गए थाना तो वहाँ से बोला कि चलो हाँ, तब कल से हम लोग यहाँ जगदीशपुर से भागलपुर कर रहे हैं, लेकिन केस दर्ज नहीं ले रहा है। कोई फोटो भेजा जानिए, फोटो भेजा मंगल के दिन से शुरू हो रहा, आज 8 दिन हुआ, फोटो भेजा हम लोग का भाई नहीं, फोटो हम लोग नहीं भेजा। कोई फोटो जो भेजा उसके आरोप लगाइए, केस मुकदमा जो करना है करिए। और उसको जा करके बोला कि उसका बेटा रोब दिखा रहा कि हम करा हम नहीं, हम जो करना है करिए, रोब लगा रहा। अब पर साल भी हमको जमीन जगह के बारे में मारा। भागलपुर के एसएम कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी कुलपति संजय चौधरी एसएम कॉलेज के प्राचार्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इतिहास का विद्यार्थी हूँ ज्ञाता नहीं, लेकिन आज का दिन भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन हो गया है, क्योंकि ये आज का दिन विश्वविद्यालय ने एसएम कॉलेज को अधिग्रहण कर लिया है। मेरा कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय के प्रोग्राम को एसएम कॉलेज में देकर एसएम कॉलेज को के सम्मान को बढ़ाया है। भागलपुर के स्मरणालय परिषद स्थित डीएम कार्यालय में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी के तहत अब तक किए गए कार्यों की स्थिति की जानकारी ली गई। भागलपुर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे द्वारा तिलक मांझी चौक स्थित विवेकानंद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।